हजरत मेहर निकाह के वक्त जो मेहर है उसकी कम से कम मिकदार 10 दिरहम मौजूदा वजन उसका क्या होगा, और साथ ही अगर 60 साल पहले मेहर 786 रुपए मुतय्यन हुआ था तो क्या आज के वक्त में वही अदा करना होगा या महंगाई के लिहाज से ज्यादा अदा करना होगा? कम से कम मार की मिकदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिरहम बताई है। 10 दिरहम का वजन आज के राइज आले वजन से 32 ग्राम 600 कुछ मिलीग्राम है, यानी कुछ कम 33 ग्राम कर लीजिए, कुछ कम 33 ग्राम चांदी 33, कुछ कम 33 ग्राम चांदी, ये 10 ग्राम चांदी का 10 दिरहम चांदी का वजन है। अब बाजार में इसका जितना दाम बनता हो वो दाम अगर 40-50 साल पहले वही चीज उतने ही रुपए मर करोड़ हुए थे और आज अदायगी हो रही है तो उतने ही अदा करेंगे जितना मुकर्रर हुआ था, उसमें कोई इजाफा औरत नहीं करा सकती। ये तो सवाल का हुक्म हुआ, मगर ये जो हुआ और हो रहा है ये बहुत नामुनासिब है, गैर मुनासिफाना तरीका है। हमने बहुत जगहों पे बज़्म में सवाल जवाब में शिरकत की तो ये तो सवाल आता है कि मार कम से कम कितना होता है, या ये सवाल आता है जो अभी आया ये कोई नहीं पूछता है कि मार ज्यादा ज्यादा कितना होना चाहिए, ये कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता है कि सवाल जवाब की बस मर्द काम करते हैं, औरतें इसमें आती नहीं है, तो मर्द अपने मतलब वाली पूछ लेते हैं और औरतों को कोई ख्याल ही नहीं करता है। औरतें इधर उधर बेचारी सुनती भी होंगी तो मजमे में आ नहीं सकती, तो ऐसे में ये उलमा की जमात ही औरतों की वकील है, इन्हें औरतों की वकालत करनी चाहिए। हम करते हैं, हमारे यहाँ मुबारकपुर में बहुत कम महर मुकर्रर होता था, बड़ी मुश्किल से 3,000-4,000, कहीं बहुत हो गया तो 5,000 हो गया। बहुत पहले मैंने ऐलान किया 11,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो खैर 11,000 हो गया। हम जहां जाते हैं वहां ऐलान करते हैं ज्यादा ज्यादा महर मुकर्रर किया जाए।